हेलो बच्चों, वेलकम टू सीयूईटी पेपर्स। आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बात करेंगे कि एनसीईटी एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें, डोमेन सब्जेक्ट के लिए क्या करना है, चार जो हमारे कंपलसरी पार्ट हैं उनके लिए क्या करना है। डिटेल में आप सभी लोगों से शेयर करूंगी रिसोर्सेस क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बट उसके पहले बेटा इस एग्जाम की इम्पोर्टेंस समझो। इस एग्जाम को लेकर के बच्चों में क्रेज बहुत बढ़ गया है। हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में खुद ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बच्चा आईटीईपी कोर्स करके आ रहा है तो उसे गवर्नमेंट जॉब में प्राथमिकता दी जाएगी, वो भी उसके एरिया में दी जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपनी तरफ से जॉब प्लेसमेंट भी करवाते हैं, हमने पिछले सालों में देखा है, ठीक। तो ये एग्जाम जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस डिग्री को करने के बाद जॉब आपकी लगना, आसानी से मिलना, ये बात तो पक्की है, ठीक। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम में जो क्रेज बढ़ता चला जा रहा है तो हमें अपनी सीट कैसे सिक्योर करनी है। आज बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें बताऊंगी, तो ध्यान से सुनना है। आपका स्कोर कितना होना चाहिए, क्या सिर्फ ओवरऑल स्कोर पर आपका एडमिशन डिपेंड करेगा या फिर डोमेन सब्जेक्ट्स का भी रोल है, इसी सारी चीजों पर बात करेंगे वन बाय वन। पर इस बार की कंडीशन देखो कि इस बार जैसे मैंने पहले भी एनालिसिस करके बताया है 6100 सीट है, ठीक है, 6100 सीट है। और अभी तक जो बच्चे हमें बता रहे हैं कि हमारा एप्लीकेशन नंबर ये आया है, ऐसा आया है, उसके अकॉर्डिंग 30,000 से अबव एप्लीकेंट हम मान सकते हैं, मतलब 30,000 से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। इसको ऐसे भी समझो, थोड़ा सा मैं पिछले साल का डाटा एक बार और बता देती हूँ। बच्चों पिछले साल जो आपकी सीट थी वो थी 4,100, कितनी सीट थी, 4,100 सीट थी। और इन सीटों पर कितने फॉर्म भरे गए थे, 9,000 से ऊपर फॉर्म भरे गए थे, ठीक है, जब तो लोगों को इस एग्जाम के बारे में पता भी नहीं था और करीब करीब 6,000 बच्चे इस एग्जाम के लिए बैठे थे, ठीक। अब यही आपका एक ये भी डाउट आता है कि मैम कट ऑफ कितना गया था, तो बच्चों जैसा आपको पता है कि कम लोगों को पता था पिछले साल, ठीक है, और बहुत सारी गलतियां भी करी बच्चों ने फॉर्म भरने में, तो ऐसे में हुआ क्या, जो कट ऑफ था ना अलग अलग इंस्टीट्यूट में बहुत रेंडमली नीचे की तरफ आया। और हमने ये भी देखा कि 100, 150 ऐसे मार्क्स तक बच्चों के एडमिशन हुए हैं। बट इस बार सिचुएशन बिल्कुल उलट है। इस बार आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 100, 150 में आपका नंबर लगेगा। तो मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो इस फील्ड को लेकर के, इस एग्जाम को लेकर के बेहद सीरियस हैं और इस 6100 सीट में एक सीट अपनी पाने के लिए पूरी मेहनत करने को तैयार है। मेहनत करनी पड़ेगी, मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ मैं भी पूरी तैयारी कर रही हूँ। वो चाहे कंटेंट को लेकर के हो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, गाइडेंस को लेकर के हो, आपको पता है हमेशा मैं गाइडेंस के लिए तैयार रहती हूँ कि भाई कोई भी बच्चे का मैसेज आए या फोन आए मैं उसे रिप्लाई देती हूँ, ठीक है। इसी के साथ एक रिक्वेस्ट ये कर देती हूँ कि हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करना। काउंसलिंग के टाइम पर हम लोग ग्रुप ओपन करेंगे ताकि इजीली एक दूसरे से बात कर पाए कि कहाँ काउंसलिंग चल रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो वो बहुत हेल्प करेगा काउंसलिंग के टाइम पे। चलो तो बात करते हैं कि देखो कंपटीशन लेवल तो ये है। अब बात आती है कि मैडम हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इसके लिए सबसे पहली क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि इस एग्जाम में आपके 7 पेपर हैं। अब इन 7 पेपरों को मैं 2 कैटेगरी में बांट दूंगी और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगी, ठीक है। देखो
सबसे पहले तो ये जो 7 पेपर है, इन 7 पेपर में से मिला करके 181 क्वेश्चन आने वाले हैं। पहले इसको थोड़ा सा समझ लो। लैंग्वेज 1 से 23 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 20 करना है, मतलब 3 नंबर की चॉइस है। ऐसे ही लैंग्वेज 2 में 3 नंबर्स की चॉइस है, 3 क्वेश्चंस की चॉइस है। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी 3 क्वेश्चंस की चॉइस है, ठीक है। और जनरल एप्टीट्यूड के 28 क्वेश्चन होंगे, वहां पर से 25 करने हैं, मतलब कि अगेन 3 क्वेश्चन की आपको चॉइस है। तो जितने भी पेपर हैं उनमें से आपको 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, आप चूज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 28 में से 25 करना है, 23 में से 20 करना है, 23 में से 20 करना है, इस तरह से, ठीक। टोटल मतलब 181 में से 160 क्वेश्चंस आपको करने हैं, और ये 160 क्वेश्चन आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने बनाते हैं, 640। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इस एग्जाम में, 640। इसके साथ क्योंकि एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है, 4 है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 1 question is equal to 4 मार्क्स, ठीक है। तो 640 मार्क का आपका ये पेपर है, और मैं ये कह रही हूँ कि बच्चों 400 से ऊपर नंबर लेकर के आओ तब सोचना कि एडमिशन हो पाएगा, ठीक है, तब सोचना कि एडमिशन हो पाएगा, ठीक। क्योंकि ये जो 6000 सीट है ना, इसमें भी सीट और कम हो जाएगी। मैंने सीट का एनालिसिस पहले कर रखा है सब्जेक्ट वाइज, है ना, कि बीएससी वालों के लिए कितने हैं, बीए वालों के लिए कितने हैं, बीकॉम वालों के लिए कितने हैं, वो जा करके देख सकते हैं, ठीक है भाई। ये बात हो गई। तो टोटल हमारा पेपर है 640 मार्क्स का, मैक्सिमम मार्क्स है हमारे, क्वेश्चन है 160 क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। और बच्चे 1-1 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग, याद रखना, ठीक। अब देखो बच्चों, ये जो 7 पेपर्स है इसमें से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डोमेन पेपर्स की, और फिर हम लोग बात करेंगे ऊपर के जो हमारे 4 पेपर बचते हैं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट की, ठीक है। तो अब आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स कहाँ से पढ़ेंगे, सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम ये है, ओके। तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, कैसे कर दिया है, जरा ये देखो कि ये जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो ये देखो कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। 25 क्वेश्चंस आप इसमें से करोगे और 25 जो के 100, मतलब कि हर एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। 3 सब्जेक्ट हैं आपके 100 100 100 के, तो ये आपके 300 मार्क्स का पोर्शन है। इसको कैसे प्रिपेयर करें, इसको प्रिपेयर करने के लिए 2 चीज़ें आपको चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी होनी चाहिए, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी मतलब, मैम ओल्ड एनसीईआरटी का मतलब क्या हुआ, ओल्ड एनसीईआरटी का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ देखो एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी मतलब कि 2019 से पहले की, कोरोना से पहले की एनसीईआरटी आपको चाहिए डोमेन सब्जेक्ट के लिए। ये कहाँ मिलेगी, मैं बताती हूँ कहाँ मिलेगी, ये हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अब आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, साइकोलॉजी हो, आपका हिस्ट्री हो, है ना, सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, ठीक। इसके अलावा और क्या होता है, नेक्स्ट वो हो सकता है आपका बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, है ना, आर्ट एंड कल्चर हो, ठीक, आर्ट एंड कल्चर हो, कोई भी आपका 12th का सब्जेक्ट है तो आपको 12th की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है। अब ये ओल्ड एनसीईआरटी आपको कहाँ मिलेगी बच्चों, ये ओल्ड एनसीईआरटी आप सभी लोगों के लिए फ्री में ऐप पर डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। ये जो है बड़ी मेहनत से मैं ढूंढ करके लाई हूँ कि पुरानी एनसीईआरटी मिल जाए जिससे बच्चों को भटकना ना पड़े।
तो पहली चीज, आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप की, वहां पर आपको एनसीईआरटी ओल्ड बुक्स मिल जाएंगी, दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। इसका कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री में है, डाउनलोड करो और इसको पढ़ो, ठीक है। 2019 से पहले की है, अभी वाली काम नहीं आएगी। अब मैम और क्या करें, बुक पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या, बुक पढ़ने के बाद जितना ज्यादा हो सके एमसीक्यूज जो है वो प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब देखो यहां पर एनसीईआरटी बुक को पढ़ना कैसे है, पूरा पढ़ो, उसमें जो भी बोल्ड दिए हुए हैं, बोल्ड लेटर्स दिए हुए हैं, उनको पढ़ लो। एनसीईआरटी एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है, अगर आपने सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करा है दैट इज मोर देन इनफ, उतना काफी है, ठीक। तो जो बोल्ड वर्ड्स है वो पढ़ो, जो बॉक्सेस में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है वो पढ़ो, ठीक है। तो किसी भी डोमेन के हो ये एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो और पढ़ लो, काम हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने रिमेनिंग पार्ट की, जो कि ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब इसको कैसे प्रिपेयर करें, देखो लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू में मान के चल रही हूँ कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इसमें हिंदी और इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का सिलेबस जो डिकोड किया हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके साथ काफी पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, पहले भी बताया है मैंने कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कोर्स चलाया हुआ है, ठीक है, जिसमें 30 आवर्स में आप पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड विद एमसीक्यू डिस्कशन पढ़ लेंगे, ओके। जनरल टेस्ट का भी आपके साथ अभी सिलेबस में शेयर कर रही हूँ। देखो जरा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो देखो इंग्लिश लैंग्वेज के इस बार दो कोड दिए हुए हैं, पेपर कोड 101, पेपर कोड 114। अब इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है सिर्फ चार लाइन का सिलेबस दिया है, बट बच्चों जब आप उसको डिकोड करते हैं तो ये 23 टॉपिक्स निकल करके उसमें से आते हैं, ये टॉपिक्स आपको तैयार करना है, ठीक है। कैसे तैयार होंगे मैम, कोई भी ग्रामर बुक जो आपकी 10th में हो या 12th में रही हो उसको आप पढ़ लो, ठीक। नहीं पढ़ पा रहे हो तो जैसा मैंने कहा ऐप पर हमारे पूरा एक कोर्स चल रहा है जिसमें हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज पूरा सब कुछ कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कोर्स है 25th से लेकर के 30th ऑफ मे तक ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो उसके बाद हम लोग 15 डेज सिर्फ ट्वेल्थ को है 12 डेज जो है हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेशन रखने वाले हैं, क्लियर। तो ये चीजें अगर आप अपने से फॉलो कर पा रहे हो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो आ करके इस कोर्स से जुड़ सकते हो। मैं आप सभी लोगों के साथ पूरी मेहनत कर रही हूँ ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक बढ़िया सीट एक्वायर कर पाए बढ़िया इंस्टीट्यूट में। इसके अलावा हिंदी की अगर बात करें तो बच्चे हिंदी में ये 29 टॉपिक, उस दिन भी मैंने बताया था ना रस छूट गया है, वो छूटा ही हुआ है तब से, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक हमें एनसीईटी एग्जाम में हिंदी पेपर के लिए पढ़ने हैं, ठीक है। टोटल 29 टॉपिक्स ये होने वाले हैं, ठीक। अगेन कहाँ से पढ़े, ग्रामर बुक, हिंदी की कोई सी भी ग्रामर बुक अगर आपके पास है तो आप पढ़ सकते हो। नहीं समझ में आती है कोई चीज तो फिर आप मुझसे कोर्स में जुड़ सकते हो। नीचे देखो यहाँ पर जनरल नॉलेज, ये जनरल टेस्ट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। जनरल टेस्ट में हम जनरल नॉलेज, जनरल साइंस,
करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सभी टॉपिक जो एनसीईटी एग्जाम के लेवल तक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ये सभी कुछ पढ़ना है आपको, बट अपनी एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डीप में पढ़ लो, नहीं तो पूरा ये बच्चे, ये टॉपिक ऐसे हैं जो इनका एंड नहीं है कभी। ठीक, तो हमें ये समझना है कि किस लेवल तक का हमें पढ़ना है। राइट, ये लेवल आपको अपना 12th तक का ही रखना है। नहीं समझ में आ रहा है तो अगेन मैंने कहा, कोर्स से जुड़ो, मैं आपको पूरा गाइडेंस वहां पर दे रही हूं कि कैसे करना है और किस लेवल तक का हमें पढ़ना है। अब बात करते हैं कि मैम हमारा जो एडमिशन होगा उसमें हमारे जो टोटल स्कोर है वो इम्पोर्टेंट है या फिर हमारे मेन सब्जेक्ट या डोमेन सब्जेक्ट के मार्क्स ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों ये समझो कि आपका जो एडमिशन है वो आपके ओवरऑल स्कोर पर होगा। ठीक है, बट कभी मान लो कि किसी बच्चे के सेम मार्क्स आ जाते हैं, है ना, तो फिर टाई हो जाता है कि किसे सीट दे किसे ना दे, तब मेन काम में आते हैं आपके डोमेन सब्जेक्ट। तो ये इंस्टीट्यूट डिसाइड करता है कि किस डोमेन सब्जेक्ट को वो एज अ टाई ब्रेकर यूज करेंगे। कोई हो सकता है कोई इंस्टीट्यूट बोले कि हम फिजिक्स के मार्क्स कंपेयर करेंगे और फिर जिसके ज्यादा होंगे उसको एडमिशन देंगे, कोई कहेगा कि केमिस्ट्री के, कोई कहेगा मैथ्स के। ठीक है, तो डोमेन सब्जेक्ट का रोल कब निकल करके आता है, जब टाई हो जाती है। उसमें भी अगर टाई हो गया तो फिर देखा जाता है आपकी एज, जिसकी एज कम होगी उसको एडमिशन मिलेगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि मैम हमें आगे इस चीज को ले करके क्या अप्रोच रखना चाहिए। देखो बच्चों, इस एग्जाम को देने के बाद सीधा सा फंडा है कि आप एनसीईटी एग्जाम देंगे, उसके बाद आप आईटीईपी कोर्स करेंगे और 4 साल के बाद आफ्टर 4 ईयर जब आप वहां से निकलेंगे उस इंस्टीट्यूट से, दो चीजें हो सकती है, उस इंस्टीट्यूट से आपको जॉब प्लेसमेंट भी मिल सकता है, जॉब प्लेसमेंट, और दूसरी चीज आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म फिल करने होंगे, प्लस साथ ही अपने फोर्थ ईयर में आपको क्या करना है, सीटेट एग्जाम दे करके क्लियर कर देना है, उससे आपका रास्ता और ज्यादा साफ हो जाएगा, बहुत जल्दी आप अपने टारगेट्स को अचीव कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो आप सोचे पहले आईटीपी हो जाए फिर सीटेट क्लियर करते रहेंगे, नहीं, अगर आपने आईटीपी किया है तो चौथे ही साल में, फोर्थ ईयर में आप सीटेट क्लियर कर लोगे, इस बात को लेकर के मैं कन्फर्म। ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रेटजी आईटीईपी कोर्स एनसीईटी एग्जाम को लेकर के है। और कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो डायरेक्टली या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।